सम्मानित भारतीय सम्राटों, आज मैं बैंकॉक के थाई फरा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में बैठा हुआ हूँ और यहाँ के बारे में आपको मैं विशेष जानकारी दूँ। वो जानकारी ये है कि बुद्धिज़्म के विकास के लिए यहाँ बुद्धिज़्म एक विकास है। देश भारत में हिंदुज़्म विकास नहीं है, विनाश है, लेकिन थाईलैंड में, बैंकॉक में बुद्धिज़्म विकास है, क्योंकि बुद्धिज़्म के माध्यम से यहाँ के लोग आलसी नहीं हैं, शोषण नहीं करते हैं, उनके मन में सदाचार है, दूसरे के प्रति प्यार है, नहीं ऊंच नीच किसी को नहीं मानते हैं और पूरा जो वर्ल्ड का मार्केट है उससे वो जुड़े हुए हैं। इसलिए थाईलैंड में बुद्धिज़्म विकास है और ये विकास, ये कबीले की ज़िंदगी जीते थे थाईलैंड के लोग कभी। तथागत बुद्ध इन्हें न मिले होते, उनकी संस्कृति अगर न इन्हें मिली होती, तो आज भी पूरे विश्व के पटल पर इनका कोई मान सम्मान, इनका कोई गुमान नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने, भारतीय बुद्धिज़्म और भगवान तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति ने इन्हें पूरी मार्केट में बना दिया है। आज हम भारतीयों को शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि कभी हमने जो दर्शन दिया आज उसकी यहाँ रक्षा हो रही है, फल फूल रहा है। और हम लोग जाति जाति, संगठन संगठन, नफरत ईर्ष्या द्वेष में अपने आप को बर्बाद किए चले जा रहे हैं। अपने घर की सफाई करना तो जिम्मेदारी है घर मालिक की, लेकिन जिस देश में वो रहता है, जिस शहर में वो रहता है, उस शहर की सफाई करना भी उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ के लोगों की सोच है। हम अपने घर का कचरा निकाल करके दूसरे के घर में डालकर अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करते हैं, बहादुर समझते हैं। ये संस्कृति ये विनाशकाली है। भगवान बुद्ध का दर्शन उनकी संस्कृति से जुड़िए। मैं आज बैंकॉक में हूँ, यहाँ का फरा बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ सैलानी है, पूरा थाईलैंड टूरिस्ट पर टिका हुआ, बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ टूरिस्ट लोगों की। यहाँ की रोडें, यहाँ के लोग, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की शालीनता, यहाँ का सदाचार, ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा है दर्शन। कभी समय निकालिए, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल काम।